हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपी डीडब्ल्यूई सीईटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे गाइस रिलीज हो चुका है। किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करना। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं एपी डीडब्ल्यूई सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। और नीचे आने पे आपको नोटिफिकेशन कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पे लिखे क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना, आपके सामने इस तरह का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो क्या देख सकते हैं, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन दे दी, शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन, ब्राउचर, यूजर मैनुअल दे दिया। अब यूजर मैनुअल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा कंप्लीटली बता देगा कि किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट के बाद फिर आप लोग को लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक हियर टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करते गए आप लोगों के सामने जो एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कुछ गए आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। देख सकते हैं आप, यूजर मैनुअल में पूरा दे चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सामने भी यहाँ पे लोड लेती वेबसाइट, और आप लोगों के सामने भी सेम इसी तरह का जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पे यूजर मैनुअल में दिया। आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, देन आपको अपना आधार कार्ड और कैंडिडेट नेम एंटर करके सिंपली आपको जो है अपना यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी पे कर देना होगा। फिर जैसे आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह इंटरफेस ओपन होने का, सारे डिटेल्स फिल करना है, पीडीएफ फॉर्म पे क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपको पे कर देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी पे करने का तरीका सिंपली आपको फिर यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन जो दिखाई दे उस पर क्लिक करना होगा। तो गाइस आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद कैंडिडेट आईडी दी जाएगी, तो कैंडिडेट आईडी आपका एंटर कर देनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है गाइस, अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना होगा, डेट एंटर कर देना है पहले आपको, फिर उसका मंथ, देन ईयर एंटर कर देना है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा एज इट इज़ आपको यहाँ पे जो है एंटर करके सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। वहाँ से फिर आप डायरेक्ट से अपनी जो भी रेस्ट पेंडिंग डिटेल्स है वो फिल करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इनकेस फिर भी अगर प्रॉब्लम फेस होती, कोई भी इशू होता, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।